शादी कोई एक दिन की तो नहीं होती ना, शादी होती है जिंदगी भर की, 7 जन्मों तक की। तो पुराने वादे और नई कस्मों को ताजा रखना जरूरी होता है। मैं ना जरा सब देख कर आती हूँ। मुझे से शादी करते वक्त जो कसमें मैं नहीं खा पाया, आज वो कसमें खाना चाहता हूं, सारे वादों को ताजा करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम्हारे चेहरे पे कभी शिकन नहीं आने दूंगा, कैसा भी रास्ता तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मेरी सारी खुशियां तुम्हारी, तुम्हारे सारे आंसू मेरे, मरते दम तक तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हारे परिवार की उतनी इज्जत करूंगा जितनी कि मैं मेरे परिवार की करता हूं, या शायद उससे ज्यादा। हम पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे और साथी भी। मेरे लिए मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होगी, पर एक वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वो सिर्फ खुशी के होंगे। लड़ूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, दुनिया से लड़ूंगा, वादा करता हूं, वादा करता हूं। एक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। इसे बैठ कर क्या, एक मिनट यहीं रहना चाहूं। ये हमारे खानदानी से बन मां चाहती थी कि उनकी बहू पहने। सिर्फ मम्मी जी चाहती थी नहीं, रोमी, सिमी, पापा, मीर, पाठक, तुम्हारे अम्मा पापा, रूही, श्रवण सब चाहते थे कि ये क्यों चाहते थे? एक्चुअली क्या है, दुबई जा नहीं पाए ना, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा। कॉन्सोलेशन प्राइज है ये मेरी, वरना पागल मदर संघ का गुस्सा कौन झेलेगा। मैं गुस्सा करती कहूँ कुछ भी नहीं, एक्चुअली क्या है, जब शगुन और मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अंगूठी ले जाना भूल गया था। तो अपनी हर शादी में अंगूठी ले जाना भूल जाते हो? मैं 150-200 शादी थोड़ी कर चुका हूँ, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। हाँ थोड़ा सा बुलक करूँ, लेकिन जब शगुन घर छोड़ के गए तो मम्मी ने वापस ले लिए थे। सोचा था कि अगर कभी फिर मैं घर बसाऊंगा तो मेरी पत्नी ने बहन और शुक्र है कि वापस ले लिए थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुमसे ज्यादा हक इन पर किसी और का नहीं हो सकता। अब इतना सरप्राइज मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाना चाहता हूं। अगर गलती से चुप गए तो काटने को मत दौड़ना। आओ आओ, चलो चलो।
किसने आपसे कुछ कहा क्या मॉम? मेरा तो मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। नहीं मॉम, प्लीज ऐसा मत बोलिए मॉम। कुछ नहीं रह गया मेरे पास, जो कुछ भी मेरा था मुझे छीन लिया है सबने। मॉम क्या हुआ मॉम, प्लीज बताइए ना। अरे सबको लगता है कि मैं रमन से प्यार नहीं करती थी, पर ये सच नहीं है। कौन सी माँ अपने बच्चों के पापा से प्यार नहीं करेगी? रमन ने मुझे छोड़ा, मेरी रूही को मुझसे छीन लिया, मैं बस यादों के सहारे जीती रही आती। प्लीज डोंट क्राई मॉम, प्लीज। इट्स माय फॉल्ट होगी, मैं ही पागल हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं है तुम। मॉम प्लीज डोंट क्राई, मॉम प्लीज रोइए मत, मॉम प्लीज मॉम डोंट क्राई। रमन ने मुझे खानदानी इयररिंग्स दिए थे इस घर की बहू होने के नाते, आज वो भी मुझसे छीन कर इशिता को दे दी। आदि आज मम्मा और पापा की एनिवर्सरी है, आज ही के दिन गिफ्ट दिया था, आज ही के दिन सब मुझे पनिश कर रहे हैं, सब मुझे पनिश कर रहे हैं। अरे सबको लगता है कि रमन को छोड़ के मैं अशोक के पास चली गई, लेकिन अशोक मुझसे प्यार करता था। रमन का प्यार, उसका प्यार तो वक्त से बदल रहा है। मैं उसकी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखती, जबकि मैं आज भी उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। एक बात बोलूं, पहले कभी बोला नहीं। These earrings so much. बहुत पसंद है मुझे। मुझे भी। Earring भी, पहनने वाली भी। Never mind. ठीक है। अगर रमन को यही चाहिए, तो मैं भी उसे उसके सारे gifts वापस दे दूँगी। मैं भी ये cards, ये फूल, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। शादी के वक्त तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, झगड़ जो रहे थे, ना कार्ड फूल ना कोई गिफ्ट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है उसे तोहफे देकर जताने की जरूरत नहीं। रिश्ता तो दिल से दिल का है ना? दिखावा था उनका प्यार, आज मुझे अकेला छोड़ दिया है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। इशिता ने रमन को मुझसे छीन लिया और मीका ने अशोक को, दोनों बहनों ने मिलकर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इशिता आज बहुत खुश होगी कि उसने रमन के दिल से मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया। सब खुश होगी, सब सेलिब्रेट करेंगे आदि, मैं ही अकेले रह जाऊंगी। I'm gonna be all alone, I'm gonna be। जाती हूँ, ये जो चुंबन इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक नहीं। जाना तो पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हमें इस घर से निकाल देंगे। जाओ, रेडी हो जाओ, अम्मा पार्टी में जाकर खुश होने का नाटक कर। You don't have